हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके प्रवेश परीक्षा की तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है और अभी तक हम लोगों ने इतने टॉपिक को कवर कर लिया है, ठीक है। और आज का हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि वैद्युत रसायन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पर सारी वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैथ्स का, बायो का, फिजिक्स का वीडियो अपलोड करने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया है, वैद्युत रसायन तक आज कवर हो जाएगा। हो सकता है फार्म में इन पर भी वीडियो आ जाए। तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी केमिस्ट्री को एक या दो दिन में ख़त्म कर दूँ, उसके बाद मैं आपके बायो का, मैथ्स का और फिजिक्स का पोर्शन जो है स्टार्ट करूँगा और बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को लाइक करते चलिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको पहले टॉपिक बता दूं कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, इन क्वेश्चन के अलावा आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आप उन टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको सॉल्व कर लेंगे और आसानी से आप उसमें नंबर पा सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना क्या है, आप लोग नोट करते रहेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे दोनों नोट करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस एंड नॉन इलेक्ट्रोलिसिस आपको पढ़ना है, यानी कि वैद्युत अपघट्य तथा वैद्युत अनपघट्य पढ़ना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस एंड नॉन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे विद्युत लेपन में, विद्युत मुद्रण में, धातुओं के विद्युत शोधन में, विद्युत धातकर में, इसी सब में उपयोग होता है। तो पढ़ लेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, वैद्युत अपघट्य के उपयोग, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इतना पढ़ लेंगे दो टॉपिक। तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लेंगे, ठीक है। और आपका पढ़ना है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये दोनों पढ़ना है, ठीक है। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यह दोनों पढ़ना है, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा। और आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। अगला टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, यह एक हो गया। अगला टॉपिक है वोल्टी सेल, ठीक है, वोल्टाइक सेल, वोल्टिक सेल हिंदी में हो गया और वोल्टाइक सेल इंग्लिश में हो गया, इसको पढ़ना है। अगर आप लोग इतना टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है आज का, निम्न में से वैद्युत अपघट्य कौन है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता होगा वैद्युत अपघट्य इसमें से कौन है, सोडियम सल्फेट है, ठीक है। अगला है, आप कई लोगों को अगर इसका आंसर नहीं पता है तो आपको वैद्युत अपघट्य पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने अभी अभी बताया आपको टॉपिक क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, आप तुरंत पढ़ लेंगे तो आप इसको देखते ही मार देंगे टिक, ठीक है। अगला है, निम्न में से वैद्युत अनपघट्य कौन है, देखिए मैंने अभी अभी वो भी बताया कि अनपघट्य भी पढ़ना है, वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनपघट्य भी पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूरिया है, ठीक है। अगला है, सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर प्राप्त पदार्थ होगा, यानी कि अगर हम सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वैद्युत धारा उसमें डालते हैं, तो एनोड पर क्या प्राप्त होगा, कौन सा पदार्थ। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम, देखिए फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम पूछ लिया यहाँ पर, मैंने आपको इसलिए पहले टॉपिक भी बता दिया था क्या पढ़ना है आपको। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, वैद्युत अपघटन का तुल्यांकी भार, इससे संबंधित है, ठीक है। फैराडे का जो वैद्युत अपघटन का नियम है वह किससे संबंधित है, तो वैद्युत अपघटन के तुल्यांकी भार से संबंधित है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। अगला देखते हैं, एक विद्युत रासायनिक सेल में, देखिए मैंने ये भी पढ़ने को बोला था विद्युत रासायनिक सेल। तो जो भी मैं टॉपिक पढ़ने के लिए बोला हूँ अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से एकदम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल में जो रासायनिक ऊर्जा होती है वह वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला है, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, देखिए फैराडे के प्रथम नियम का अगर आप फैराडे का नियम पढ़े होंगे तो उसके प्रथम नियम को अगर पढ़े होंगे तो उसमें दिया होता है क्या, इलेक्ट्रोड पर उत्सर्जित आयन के आयन का जो भार W का मान है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप फैराडे का नियम नहीं पढ़ेंगे तो इसको नहीं कर पाएंगे, और देखिए इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं,
ठीक है, नोट कर लेंगे अच्छे से। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पहला ही है, W इज इक्वल टू जेड क्यू। इसको आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि मैंने कई बार आपको बोला है, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फैराडे विद्युत का मान क्या होता है? तो फैराडे विद्युत का मान जो आपका होता है वह होता है 965 कूलम, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह शायद क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो फैराडे के विद्युत विद्युत का मान क्या होता है, तो याद रखेंगे 96,500, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MgCl2 से मैग्नीशियम के 1 ग्राम परमाणु निकालने के लिए फैराडे की आवश्यकता होगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहली बात, ठीक है। और देखिए एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे, देखिए इसमें सभी में कूलाम दिया है ना, कभी कभी इसमें देता है 96,500, यहाँ पर कूलाम नहीं देता है, सिर्फ 96,500 लिखा रहता है, वह ऑप्शन बिल्कुल भी गलत होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे 96,500 कूलाम वाला मारेंगे, ठीक है, लास्ट में इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, कूलाम होनी चाहिए, याद रखेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में इसको घुमाया है, 96,500 बस लिखा है, कूलाम हटा दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 96,500 मारेंगे, ठीक है। MgCl2 के मैग्नीशियम, चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, कैसे होगा। तो आप लोग इसका सोल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए, 8वें का सोल्यूशन क्या है, देखिए यही है इसका सोल्यूशन 8वें का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कितना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 2 फैराडे की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है, AlCl3 के विलयन में धारा बहकर रिडोत पर 13.5 ग्राम एल्युमिनियम एकत्रित करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होती है? तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ है, ठीक है, इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका 1.5 फैराडे आएगा, ठीक है, 1.5 फैराडे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1.5 फैराडे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कॉपर सल्फेट के विलयन में इतना एम्पियर धारा इतने घंटे प्रवाहित करने पर एकत्रित कॉपर कितना होगा, ठीक है, और कॉपर का परमाणु भार दिया है 63। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 3.61 ग्राम। तो 10वें का राइट आंसर है 3.61 ग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, NTP पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन ज्ञात कीजिए जब अम्लीय जल में इतना कूलाम विद्युत प्रवाहित होती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी इससे भी न्यूमेरिकल ला सकते हैं, ठीक है। यह इसका सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा, इसके आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 11.2 लीटर का, लीटर H2 NTP पर। अब देखिए NTP मैंने आपको कई बार बताया है जब BA के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहा था, और शायद BSc वाले में भी बताया है। तो NTP का पूरा नाम क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको याद रखेंगे, एक क्वेश्चन इससे आ जाता है कि NTP का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, ठीक है। तो आपका 11वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11.2 लीटर H2। धनावेशित परमाणु को क्या कहते हैं, जो भी परमाणु धनावेशित होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, धनायन कहते हैं। ताप बढ़ाने पर आयतन की मात्रा क्या होती है, ठीक है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम की जो क्वांटिटी होती है, वॉल्यूम की मात्रा होती है, वह क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, कोई प्रभाव नहीं, नो इफेक्ट, शून्य हो जाती है, बिकम जीरो, क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है, इंक्रीज करती है। जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर पर क्या करता है, वॉल्यूम डिपेंड करता है, टेम्परेचर को अनुक्रमानुपाती एक दूसरे के एक हो सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आयतन भी बढ़ेगा। सम आयन की उपस्थिति में आयनन की मात्रा क्या होती है, ठीक है, सम आयन की उपस्थिति में आयनन की मात्रा क्या होती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, वैसी रहती है, या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, घटती है, ठीक है। सम आयन की उपस्थिति में आयनन की मात्रा घटती है। जब वैद्युत अपघट के विलयन से एक कूलाम का आवेश गुजारते हैं तो निक्षेपित द्रव्यमान बराबर होता है किसके? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और मैंने आपको टॉपिक बता दिया है, तो आप सभी लोग उसको पढ़ लीजिएगा। और अगला टॉपिक हमारा रहेगा जल एवं जल की कठोरता का,
ठीक है, यानी कि वाटर एंड हार्डनेस ऑफ वाटर। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।